मेरा पसंदीदा थीम वो जिन्स और सिंस था, और इसलिए क्योंकि कुछ हम देखते हैं अपने मुआशरे में, कुछ लोग जब घर लड़के घर की काम में मदद करते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं कि तुम लड़के हो गए ये काम करोगे, तो जब हमने ये कोर्स किया तो हमें पता चला कि नहीं, ये हमें हाथ बटाना चाहिए। मेरा जैसे बेटा है, और मैंने जब ये इस प्रोजेक्ट के दौरान ही उन्होंने एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बहुत ऐसे बताया, मैं शायद पहले इतना नहीं सोचती थी, मगर अभी से मैं उसको बहुत ज़्यादा काउंसिल करती हूँ शुरू से ही, कि कोई अगर कुछ कह रहा है तो मैं लड़कियों की तरह कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने फैमिली मेम्बर्स को कहती हूँ कि नहीं उसके जहन में ये बात डालें कि ये लड़की ही का काम है। और शायद पहले भी थोड़ा करती थी, मगर इसके बाद ज़्यादा मुझे लगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एज से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको वो फीलिंग ना हो कि मैं लड़का हूँ, और वो बिल्कुल एक फीलिंग उसके साथ ही ग्रो करें। ना कुछ दिनों पहले हमारी एकेडमी में ना हमें सर इंग्लिश वाले सर ना हमें टेंसेस करवा रहे थे, तो उन्होंने कहा हमारे साथ ना भाई लड़के भी होते हैं, तो सर ने कहा कि ना ये सारे लड़के ना ध्यान से अच्छी तरह समझ लें कि लड़कों के आगे काम आने हैं। तो हमने मैंने और मेरी फ्रेंड ने क्वेश्चन किया सर कि लड़के ही क्यों आगे, मतलब अच्छी तरह समझे, हम क्यों नहीं समझ सकते। सर ने कहा कि लड़कों ने आगे जाके बाहर करना होता है काम वगैरह, तो तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, कि मतलब तुम लोगों ने तो आगे जाके मतलब आप लोग ना कर सकते हो, आप लोगों की शादी है ना, आप लोगों ने आगे घर जाके काम वगैरह ही तो करने हैं, तो तुम लोग रहने दो। तो हमने शोर डालना शुरू कर दिया कि नहीं हमने भी अच्छी तरीके से समझना है।